सोलर तकनीक से झारखंड के किसानों का जीवन बदल रहा है। अब वे सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप और चलित सोलर पंप का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसने प्रदूषण फैलाने वाले डीजल पंप का स्थान ले लिया है। 79 लाख हेक्टेयर में फैले झारखंड के 37% हिस्से में खेती होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ 15% जमीन पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। सिंचाई का साधन ना होने की वजह से झारखंड के किसान मानसून पर आश्रित रहते हैं, जिससे खेती पूरी तरह से लाभकारी नहीं बन पाती। इस समस्या के समाधान के लिए वर्ष 2017 में राज्य सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ या जोहार योजना की शुरुआत की। सर, हम लोग जैसे खेती बाड़ी करते थे, बहुत ऐसे जगह पे मेरा ज़मीन है जहाँ पे बिजली का सुविधा नहीं है और सिंचाई के चलते हम लोग खेती नहीं कर पाते थे। लेकिन हम लोग जैसे IPO के माध्यम से हम लोग जुड़े, मेरा उत्पादक समूह, जिसमें हम लोग को सोलर साइकिल प्राप्त हुआ। सोलर साइकिल से जहाँ पे हम लोग खेती नहीं कर पाते थे वहाँ पे हम लोग का सिंचाई हो पाता है और आमदनी भी बढ़ रही है। योजना के तहत 13 जिलों के 10,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन को सिंचित करना है। सिंचाई की सुविधा मिलने से किसान एक वर्ष में कई फसल लगा सकेंगे और मवेशी पालने के लिए भी पानी की सुविधा मिलेगी। मछली पालन से भी हमको बहुत फायदा है। इस बार हम 50 kg तक निकाले थे इस बार का गर्मी में, उसमें भी हमारा डबल फायदा हुआ था। बीते साल से इस साल ज़्यादा छोड़े हैं तो इससे भी हमारा ज़्यादा मुनाफा होगा और उसमें हम सब कुल मिला के जोड़ेंगे तो साल भर में 80-90 हज़ार का इनकम होता है मेरा, मछली और धान में दोनों एक ही साथ करते हैं। तो झारखंड की 8% आबादी किसानी और इससे संबंधित गतिविधियों से जीविका चलाती है। किसानों के समूह को सोलर पंप बांटने की वजह से इसका लगातार इस्तेमाल होना सुनिश्चित हुआ। वे इसे किराए पर भी लगा सकते हैं। जोहार योजना की इस विशेषता से समुदाय में लोग मिलकर काम करने लगे। यहाँ 15 किसान हम लोग हैं। 15 किसान का सिंचाई होता है। सिंचाई होने के बाद जो मैंने पैसा जमा होता है उसका 20% हमको TSP का खर्चा मिलता है। जो बचता है उसको हम लोग मैंने फंड में अपना जमा करते हैं, ताकि खराब फोटो वही फंड से हम लोग बना सके। सरकारी योजना के तहत मिला सोलर पंप तमाम सुविधा देने के साथ चुनौतियां भी पेश कर रहा है। कई रिपोर्ट में सामने आया है कि अधिक पानी निकालने की वजह से राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भूजल स्तर लगातार कम हो रहा है। जोहार योजना ने इस चुनौती से निपटने के लिए सोलर पंप से भूजल दोहन ना करने का प्रावधान रखा है। इस पंप से केवल भूतल पर मौजूद पानी जैसे तालाब या बांध का पानी ही पंप किया जा सकता है। पिछले 3 वर्ष में यहां 850 सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत 2022 तक 1310 पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे इस सुस्त रफ्तार से पाना मुश्किल लग रहा है। हालांकि स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाले इन पंपों की बदौलत अंदरूनी इलाकों में सिंचाई की सुविधा मिल रही है।